कोटा के इटावा से है, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कटने का मामला सामने आया है। खातोली पार्वती नदी में तीसरे दिन भी पुल पर 7 फीट पानी, स्टेट हाईवे भी बंद हो गया। राजस्थान और एमपी के बीच का संपर्क कटने का मामला सामने आया है। कोटा के इटावा से खबर है, खातोली पार्वती नदी में तीसरे दिन भी पुल पर 7 फीट पानी भरने का मामला सामने आया। फीट पानी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिराज सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिराज, खातोली नदी के पुल पर पानी भरने का मामला सामने आया है, स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर मार्ग बंद हो गया है, कैसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त? बिल्कुल आशंका ये मध्य प्रदेश में लगातार बारिश को चलते हुए अब जो हाड़ोती की नदियां उफान पर है और हाड़ोती के साथ साथ जो काली सिंध है और खतरे के पास ये पार्वती नदी है, वो तीनों में ये नदियां उफान पर चल रही है। लगातार ये मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण अब स्टेट हाईवे 70 जो श्योपुर मार्ग भी यहाँ पे पानी की वजह से बंद कर दिया गया है। ऊपर से पानी लगातार जो ज्यादा चल रही है, अब कुछ वाहनों को उसी तरफ से डिवाइडिंग करके भेजा जा रहा है। अब जो नदियां उफान पर है, अब लगातार ये बारिश पड़ने के कारण हो रही है स्थिति। जी आदर्श, हम जानकारी के लिए तो आप सभी को बता दें कि कोटा के इटावा से खबर है, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कटने का मामला सामने आया है।